guys, what's up? So today I'm going to be showing you another day of my life. I was traveling from Mumbai to my hometown Lucknow. So it was my sister's wedding and I thought why not to be a part of it. होली को तो यार काफ़ी 10-12 दिन थे. मैंने कहा लेट्स स्किप दिस होली दिस टाइम एंड लेट्स गो फॉर हर वेडिंग. बेसिकली शी इज़ ऑलरेडी गॉट मैरिड बैक इन 2020. आई थिंक दैट वॉज अ टाइम वेन वी वर ऑल गोइंग थ्रू पैंडमिक एंड कोविड. सो वी डिडंट गॉट द टाइम टू यू नो सेलिब्रेट हर वेडिंग इन अ वेरी पॉम्पियस वे. सो दिस टाइम एज अ फैमिली वी ऑल थॉट वाई नॉट इफ शी इज़ कमिंग टू इंडिया सो लेट्स सेलिब्रेट हर वेडिंग यू नो in a big fat way. So I think that was the whole reason and I was like, yay, I'm gonna be definitely a part of it. So these were the nails that I got done for myself. These are acrylic nails that I always go for. बहुत ज़्यादा थक गई थी यार मैं. इतना सर दुख रहा था कि पूछो मत. ऊपर से एक दिन पहले मेरा एक शूट था जिसकी थकान अभी तक मेरी आँखों में दिख रही होगी आपको, जिसकी वजह से मैंने चश्मा लगा रखा था सो दैट नोबडी कैन रियली सी द स्लीप डिप्राइव्ड आईज ऑफ माइन. बट वही है, लखनऊ जा रहे हैं तो मुस्कुराना तो पड़ेगा. द बेस्ट पार्ट वॉज दैट आई गॉट ऑल 3 सीट्स एम्प्टी बट बिकॉज ऑफ विच I don't know, the airplane people were actually looking at me for no fucking reason. कहते ना कुछ चमन चूतियाज आपको हर जगह मिल ही जाते हैं और स्पेशली मुझे तो हर वक्त मिल जाते हैं. सो दीज वर 3 अंकल्स दैट वर काइंड ऑफ स्टेयरिंग एट मी एंड हैड सम प्रॉब्लम दैट आई वॉज फ्लेक्सिंग द होल 3 सीट्स. बट द एयर हॉस्टेस वॉज काइंड इनफ. शी वॉज लाइक इट्स ओके मैम, यू कैन यू नो रिलैक्स द होल सीट्स, यू नो इट्स ऑल योर्स. 2 घंटे की बात है, फ्लेक्स करो या ना करो, अपने को तो पहुँच ही जाना है फटाफट. वॉज रियली हैप्पी यू नो बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट my sister but I was really sleepy both at the same time. मैं ये सोच रही थी जल्दी उतरूँ बिकॉज आई हैड टू पी ऑल्सो. आई रियली टुक अ रिस्क मैन बिकॉज मॉर्निंग फ्लाइट तो मेरे से होती नहीं है यार. सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचना फॉर मी इज़ अ ह्यूज टास्क बट आई थिंक वी डिड. आई फील आई एम दिस पर्सन कि यू नीड टू टेक रिस्क इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ. आई थिंक वी लैंडेड राइट ऑन टाइम एंड आई जस्ट एंटर्ड माई होम. आई कुड हियर माई मॉम चैंटिंग एंड डूइंग पूजा बिकॉज इट वॉज मंडे. सो आई नो माई मॉम, शी कीप्स अ फास्ट ऑफ मंडे एंड आई कुड हियर हर डूइंग पूजा मंत्रास एंड आई कुड हियर इट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ माई होम. महादेव विष्णु सदा शिव आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम हर हर महादेव. ओम जय शिव ओंकारा गज पार्वती प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धामी धारा ओम हर 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 महादेव. कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम मूर्धन्य सदा वसंतम विद्यारविंदे भव भवानी श्वेतं नमः. ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो आरती गाइस, आरती हो रही थी हमारे आज बुलानी देर ना है तो अभी फूल ही नहीं मंगा, पहले फूल चढ़ाने हैं अभी. ओके हमने कहा पहले झाड़ू वाड़ी लगा, 2 दिन से गंदा पड़ा है सब. हमने कहा हम आरती ऐसे ही कर लेंगे फिर तुम फूल लाना तब चढ़ा देंगे. ये सोमवार है ना, आज मंडे हो गया तो मंडे. चलो अब चाय पी लो, चाय एकदम रेडी है. हमने कहा आप आ भी जाओगी तो हम कह देंगे कि बना बन देंगे ले लो. और बिस्किट तो आप जब गई थी तभी याद है सर, फिर हम मंगाई थी. वो खराब हो गई क्या? नो. हाउ आर यू फीलिंग? चलो भगवान कृपा करे आप अच्छे ढंग में आते दे रहे आप. अच्छा केक ही निकाले हम आपके लिए है ना, तो देखिए सारी क्यों गर्म करे, वैसे गर्म ही है अभी बनी है. वी गोना हैव चाय. हाँ पहले चाय पीनी थी खाना.
चाय, आई वॉन्ट चाय। My God, मैं तो उतरी, मैं तो ठंड लगने लग गई। तो स्वेटर पहने, देखो ये इनर है, अभी इसके नीचे प्लाजो, इसके ऊपर प्लाजो पहनेंगे। आई नो, मुझे तो पता भी नहीं था कि ठंड है, नहीं तो मैं फुल स्लीव्स में, इसलिए मुझे नहीं मालूम था, मैं रैंडमली पहन कर आ गई। पूछा तो था आपने, कहा अभी तो ठंड नहीं है। हमने कहा ठंड है, जब भी लास्ट बात हुई थी मैंने कहा ठंड है, स्वेटर पहनते। यस, जिंदगी धन्य है। उतारा आर मेकिंग न्यूट्री चॉइस बिकॉज़ इट्स हेल्दी। फूल ले आए? कहाँ है? वो रखे। ये लीजिए। अरे एक लाओ आप खाओ। हाँ तो एक ही खाइए। बस आप खाओ। हेलो, कैसे हैं? क्या हाल चाल? हाँ जी, अभी अभी। खाया? चाय पीना है? जब खुद का घर इतना बड़ा हो ना, फिर आपको रेंट वाले घर में मजा नहीं आता। मॉम, हाउ इज माय नेल्स? पिछले बार से सही है, पिछले बार से ज्यादा अच्छे हैं। तो चाय पीने के बाद अब वक्त हो चुका था अपने रूम में घुसने का और अपना सामान सेटल डाउन करने का। बिकॉज ऑनेस्टली मुझे आए हुए 2-3 घंटे हो चुके थे और मैंने सोचा था अपने रूम में तो एटलीस्ट एंटर कर ही जाओ अब। एंड आई वॉज सो अमेज्ड सीइंग अ लॉट ऑफ पार्सल्स दैट आई ऑर्डर ऑनलाइन, बिकॉज यार मुंबई में नहीं हो पाता है इतना ऑर्डर करना और सब पहनना मुझे लखनऊ में ही पड़ता है। सो आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो ऑफ अनबॉक्सिंग दीज पार्सल्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।